उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित देश के सभी उद्योगपतिगण, निवेशक, उद्यमी और उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के तृतीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का, सभी केंद्रीय मंत्रियों और देश से आए हुए सभी हमारे प्रमुख उद्योगपतियों, निवेशकों और उद्यमियों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलता के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। ये 8 वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर भारत को विगत 8 वर्षों के दौरान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 8 वर्ष के देश के एक यशस्वी नेतृत्वकर्ता के रूप में सफलतापूर्वक इन 8 वर्षों की हृदय से बधाई देते हुए उनका इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन इसी लखनऊ में किया था। 2018 के बाद अब तक 2018 में प्रथम इन्वेस्टर समिट के समय हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिन्हें विगत 5 वर्षों के दौरान जिनमें से 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव जमीनी धरातल पर हमें उतारने में मदद मिली। और आज कोरोना कालखंड के दौरान भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही प्रदेश के अंदर निवेश प्रस्तावों को भी सफलतापूर्वक लागू करने के जिस अभियान को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया था, उसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में इस दौरान लगभग 66,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए थे, जिन्हें हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता भी प्राप्त की। और आज उत्तर प्रदेश का यह तृतीय ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए की लागत से नई परियोजनाओं के कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा से यह कार्यक्रम आज यहां पर प्रारंभ हो रहा है। 1400 से अधिक जो निवेश की परियोजनाएं हैं, इनमें डाटा सेंटर की हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, आईटीएम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हथकरघा एवं टेक्सटाइल, एमएसएमई आदि क्षेत्रों की इन परियोजनाओं में, जिनके माध्यम से 5,00,000 प्रत्यक्ष और 20,00,000 से 20,00,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगे। हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मंत्र को अंगीकार किया, जिसमें रिफॉर्म, परफॉर्म
और ट्रांसफॉर्म के मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिए थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को 6ठी अर्थव्यवस्था से 2री अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करने में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर 2रे स्थान पर है। लीड्स 2021 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के 7 स्थानों की उल्लेखनीय बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई है और उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत उद्यम को बढ़ाते हुए आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के माध्यम से इनके प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश निर्यात को 88,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 1,56,000 करोड़ रुपए सालाना करने में भी उत्तर प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश ने 2017 में अपनी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति लागू की थी और इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो फ्रेंडली 20 सेक्टोरियल पॉलिसीज को भी हम लोगों ने उद्यमिता इनोवेशन और मेक इन इंडिया की तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य किया। श्रम भूमि आवंटन संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर्यावरणीय अनुमोदन निरीक्षण विनियमन कर भुगतान आदि के क्षेत्रों में रिकॉर्ड 500 से अधिक सुधार हम लोगों ने इस दौरान लागू किए। 40 विभागों के 1400 से अधिक जो कॉम्प्लायंस थे उन्हें हम लोगों ने समाप्त किए। डिजिटल सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्लेटफॉर्म निवेश मित्र के रूप में 29 विभागों की 349 सेवाएं आज इन्वेस्टर्स को यूपी में ऑनलाइन प्राप्त हो सकती हैं। मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को आवेदन करने के 15 दिन के भीतर भूमि प्रदान करने का प्रावधान भी हम लोगों ने इस व्यवस्था के साथ लागू किया और साथ ही साथ प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर जो निवेश फ्रेंडली माहौल बनाने कानून व्यवस्था को बेहतर करने परंपरागत उद्यम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्य किया 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने प्रदेश में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में मदद करने में भी सफलता प्राप्त की और केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न प्रकार की उन योजनाओं से जो आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करती है 60,00,000 ऐसे हमने परंपरागत उद्यमियों को भी इस योजना के साथ जोड़ा तो 5,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी भी हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह 18% से घटकर के 2.9% रह गई है। प्रदेश में प्रमुख उत्पादन एवं निर्यात केंद्रों का निर्बाध कनेक्टिविटी की दिशा से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से नवंबर 2021 में संपन्न हो चुका है। बुंदेलखंड क्षेत्र जो आजादी के बाद से विकास और जल के लिए तरसता था आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर के 2 प्रमुख नोड बुंदेलखंड में झांसी और चित्रकूट में बन रहा है तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी इस जून के अंत तक बनकर के तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना के माध्यम से भी प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के कार्यक्रम को भी युद्ध स्तर पर हम आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ ही उत्तर प्रदेश वर्तमान में 5 एक्सप्रेसवे के साथ कार्य कर रहा है जिनमें युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या के संचालन होने पर आगामी कुछ वर्षों में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला देश का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के तहत वाराणसी से हल्दिया सेक्शन वर्तमान में संचालित है।
और उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी 6 नोड्स विकसित किए जा रहे हैं। लखनऊ नोड में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की इकाई तथा झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की इकाई स्थापित की जा रही है। RRTS का निर्माण उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली मेरठ के बीच में प्रगति पर है। PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के माध्यम से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार निवेशकर्ताओं को हर संभव सहयोग और सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज का यह ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के इस अभियान में अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आज स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय मंत्रियों और सभी अपने देश के सभी प्रमुख उद्योगपतियों, प्रमुख निवेशकों और उद्यमियों का भी मैं इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश में उनका निवेश न केवल सुरक्षित होगा बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के अंतर्गत उन्हें हर प्रकार का संरक्षण भी प्राप्त होगा। आप सबको मैं उत्तर प्रदेश पर विश्वास व्यक्त करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।